Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start our part number 4 of your chapter 10 playing with patterns. तो इसके काफ़ी सारे parts, काफ़ी सारे patterns हमने already देख लिए हैं. आज हम इसके next 3 pages यहाँ पर cover up करेंगे, page number 114, 115 and 116. तो जल्दी से start करते हैं. Open your books with page number 114 and also make sure to subscribe the channel. तो देखो, सबसे फर्स्ट है आपके पास पैटर्न्स विद एडिशन. तो इस पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं. एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना. तो हम देखेंगे कि ऐड करके क्या पैटर्न बनता है. तो स्टार्टिंग से ऐड किया है, 1 2 3 ऐड करो, इट विल बी 6. 2 3 4, बस काउंटिंग आगे लिखी है. देखो हम काउंटिंग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप. सो है ना, ऐसे काउंटिंग लिखते हैं. तो पैटर्न कैसे बनाया, पहले फर्स्ट 3 को ऐड कर लिया, फिर फर्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट 3 को ऐड कर लिया, फिर फर्स्ट 2 को छोड़ के नेक्स्ट 3 को ऐड कर लिया. ठीक है, सिंपल ऐसे ऐड कर रहे हैं. पैटर्न समझ आया? सो 1 2 3 का सम है 6. अब 2 3 4 का सम क्या है? 9. 3 4 5 का सम क्या है? 12. तो देखो हम कितने नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे 3 3 नंबर ले रहे हैं हर बार. यहाँ पे भी 3 नंबर लिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 नंबर लिए. एंड इन इसका जो सम है वो भी कितने नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं हर बार? 3 3 से इंक्रीज कर रहे हैं. हम आगे लेके देखें एक बार, 4 प्लस 5 प्लस 6, तो इनको ऐड करो, इट विल बी 15. ठीक है, समझ आया कैसे किया? अब देखो, फिर 12 और 15 में 3 का डिफरेंस, इट मीन्स ये पैटर्न बन गया कि जैसे जैसे हम सम आगे करते हैं, जो हमारा सम है वो हमेशा कितनी बार ग्रो करेगा? 3 नंबर्स ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने नंबर्स लिए हैं? 3. तो ये पैटर्न बन गया. अब ऐसे एक 4 के साथ दिखाया हुआ, अब 4 लिए हैं तो ये कितने से ग्रो करेगा बताओ? 4 से ग्रो करेगा. सो 1 2 3 4, इट विल बी 10. 2 3 4 5, इट विल बी 4, इंक्रीज हो गए 14. 3 4 5 6 18. ऐसे अगर हम नेक्स्ट लेके देखें, दैट इज 4 5 6 एंड 7, इट विल बी 19 20 21 एंड 22. ठीक है, तो देखो ये 4 4 से इंक्रीज कर रहा है. सो नेक्स्ट आपको अब एक एक्टिविटी करनी है, आपको अपनी तरफ से बनाना है ऐसा पैटर्न जो 5 से इंक्रीज करे. इसलिए हम कितने नंबर लेंगे? 5. 1 2 3 4 एंड 5. अब इनको ऐड करो, 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 14, एंड इट विल बी 15. अब हम 1 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली काउंटिंग लिखेंगे, दैट इज 2 3 4 5 एंड 6. अब इनका सम क्या होगा हमारे पास? 20. देखो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें पैटर्न पता है ये कितने से इंक्रीज करेगा, 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर. अब 3 से स्टार्ट करो, 3 4 5 6 एंड 7, इसका सम क्या आएगा हमारे पास? 25. नेक्स्ट इज, अब 3 छोड़ देंगे हम, 4 5 6 7 एंड 8, तो इसका सम क्या आएगा? 5 6 7 8 एंड 9, तो इसका सम क्या आ जाएगा हमारे पास? 35. तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हर बार जो सम है 5 से इंक्रीज कर रहा है? तो आप लिखोगे येस, इट इज़ इंक्रीजिंग 5 ईच टाइम, क्योंकि हमने कितने नंबर्स का सम लिया है? 5 नंबर्स का, एंड वो कंसेक्यूटिवली होने चाहिए, मतलब लाइन वाइज लेने हैं. ऐसे नहीं ले लेना कि मैम 1 प्लस 3 प्लस 4, ये तो आता नहीं है. नहीं, लाइन वाइज लेने हैं. 1 के बाद 2 आता है तो यहाँ बीच में 2 भी लो. ठीक है, तो आपको ये पैटर्न समझ आया. नेक्स्ट पेज पे चले हैं, पेज नंबर 115. नेक्स्ट आपका जो सीक्रेट मैसेज वाला है, ये नया पैटर्न है. अभी वो सम वाला पैटर्न खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, दैट इज सीक्रेट मैसेज. इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पेज को. What are you doing? I am trying to read the note my friend gave me, but I cannot understand it. तो वो गर्ल पूछ रही है कि तुम क्या कर रहे हो. तो बॉय कहता है, मेरे फ्रेंड ने कुछ सीक्रेट कोड लिख के दिया है, जैसे आप इस पेपर पे देख सकते हो. मैं वो समझ रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा. तो वो गर्ल कहती, ओके लेट मी सी, इट लुक लाइक अ सीक्रेट मैसेज. तो वो कहती, मुझे देखने दो, ये कोई सीक्रेट मैसेज लग रहा है. तो उस सीक्रेट मैसेज को वो सॉल्व करेंगे. देखो कैसे करेंगे, ये जो गर्ल है इसका नेम यामिनी है. यामिनी ने एक्सप्लेन किया, नंबर हैव बीन यूज फॉर लेटर्स, कि लेटर की जगह नंबर यूज हुए हैं. जैसे ए, ए कहाँ पे आता है? फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, देन बी, सेकेंड, सी, थर्ड, ऐसे. अल्फ़ाबेट लिखने की जगह उन्होंने क्या लिख दिए? नंबर लिख दिए. जैसे यहाँ पे लिखा गया है 7, तो 7 किसके लिए होता है? देखो डी ई एफ जी एच. अब इधर काउंटिंग लिखो, डी है हमारा 4th,
फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ। इट मीन्स ये सेवन किसके लिए है? जी के लिए, ठीक है। मतलब जी लिखने की जगह उन्होंने उस लेटर का नंबर लिख दिया कि कितने नंबर पे वो अल्फाबेट आता है। सो उसने एक एग्जांपल दी, कहती जैसे जो जे है वो 10 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो जंप का क्या बन जाएगा? 10, 21, 13, 16, क्योंकि जे आता है 10 पे, जे की जगह क्या लिख दिया? 10। यू आता है 21 पे, देन एम आता है 13 पे, फिर पी आता है 16 पे। सिंपल इस तरह से कोड बनाया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर लिखना हो ए डी जी, तो इसका कोड क्या बनेगा? ए आता है फर्स्ट पे, डी आता है फोर पे, एंड जी आता है हमारा सेवन पे, तो उसका कोड बन जाएगा 147। इस तरह से कोड बनाया गया। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, आपको ये कंप्लीट करनी है लिस्ट लेटर्स की जो आपको प्रोवाइड की गई है, ए फर्स्ट, बी थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे, ई के बाद आता है एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। ऐसे आप अप टू कंप्लीट कर लेना और नीचे आप अपनी काउंटिंग लिखोगे, तो आपकी वो लिस्ट इस तरह से दिखेगी जो नीचे शो की हुई है, एफ सिक्स, जी सेवन, एच एट, ठीक है, आई नाइन, टेन, इलेवन, इस तरह से ए टू जेड। तो अब सबको आती है, ये आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक पे चले, नेक्स्ट पेज पे। टीनू वॉन्ट्स टू राइट टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब आपको गुड मॉर्निंग का सीक्रेट लिखना है, तो जल्दी से लिखते हैं, बहुत ईजी है। देखो जी के लिए क्या है हमारे पास? सेवन, तो जी की जगह हम लिखेंगे सेवन। ओ के लिए क्या है? ये रहा 15, तो थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखेंगे 15। अब फिर ओ है 15। नाउ डी, डी के लिए है हमारा 4, तो ये क्या बन गया हमारा? गुड, ये गुड का सीक्रेट बन गया। अब मॉर्निंग का देखते हैं। एम के लिए है हमारा कोड 13, ओ के लिए दोबारा सेम रहेगा 15, आर के लिए है 18, मोर हो गया, अब एन आई एन जी, एन के लिए 14, आई है हमारा 9 पे, अगेन एम सेम आएगा, एंड जी के लिए था हमारा 7। तो ये सीक्रेट कोड किसका बन गया? गुड मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न बनाया गया, सीक्रेट कोड बनाया गया, और आप भी कुछ ट्राई करना, कुछ और ट्राई करके इस पर ज़रूर लिख के देखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ़ वी चेंज द रूल। अब थोड़ा रूल चेंज कर रहे हैं, राइट वन इन प्लेस ऑफ बी एंड थ्री इन प्लेस ऑफ डी। तो वो क्या कह रहे हैं? काउंटिंग को ना थोड़ा आगे कर दो, लाइक बी वन टू पे था तो यहाँ वन कर दो, फिर यहाँ टू, थ्री, फोर, इस तरह से काउंटिंग लिख दो, समझ आया? मतलब एक एक नंबर आगे कर दो, तो उससे क्या होगा? जो हमारा अल्फाबेट है वो एक नंबर पीछे चला जाएगा। तो पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे सारी। ये हो जाएगा 12, 13, 14, 15, 16, आर विल बी 17, आई एम सॉरी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड इट विल बी 25, ठीक है। और जो हमारा ए है वो क्या बन जाएगा? 26, क्योंकि ए कहाँ आ जाएगा? हमारा दिस साइड। नाउ अब आपको इसका सीक्रेट कोड लिखना है, लेट अस डांस। बिल्कुल सिंपल सा है, जल्दी लिखते हैं। एल के लिए है हमारा 11, ई के लिए है 4, अब जो हमने नए बनाए हैं वो लिखने हैं, ठीक है। टी के लिए है 19, ये क्या बन गया हमारा? लेट। अब अस बनाते हैं, अस के लिए आएगा 20, एस है हमारा 18 पे, सो ये बन गया हमारा अस। अब डांस देखो, डी है हमारा 3 पे, ए 26, एन है हमारा 13, सी पे है हमारा 2 एंड ई है हमारा 4, तो ये कौन सा कोड बन गया? सीक्रेट कोड, लेट अस डांस। 11, 4, 19, 2, 0, 18, 3, 26, 13, 2 एंड 4। कितना फनी सा बन गया ना ये, देखो सीक्रेट मैसेज। नेक्स्ट पे चले हमारे, नेक्स्ट पेज पे, तो बिल्कुल सिंपल सा था हमारा सीक्रेट मैसेज। अब इस पेज पे आपको और भी बहुत सारे सीक्रेट मैसेजेस दिए गए हैं। शबलू एंड जगू वर प्लेइंग अ गेम, दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेजेस, बट कोहाली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दम। तो बट जो ये कोहाली है, ये गर्ल है, इसको समझ ही नहीं आ रहे हैं। जगू, यू सी वी हैव चेंज लेटर बाय नेक्स्ट लेटर, दैट इज जी इन प्लेस ऑफ एफ। अब पहले हम क्या कर रहे थे? लेटर के लिए उसका नंबर यूज कर रहे थे कि किस प्लेस पे वो आता है, बट अब इस पैटर्न में क्या यूज कर रहे हैं? वो लेटर के लिए लेटर। जैसे ए के लिए वो यूज़ करेंगे बी, बी के लिए वो यूज़ करेंगे, बी के आगे क्या आता है? सी, सी के लिए वो यूज़ करेंगे डी, ऐसे डी के लिए वो यूज़ करेंगे ई, मतलब एक लेटर आगे यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो कोहली बताती है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड कि कैसे तुमने ये सीक्रेट कोड लिखा है।
सी वट आई हैव रिटन. तो कोहली ने यहाँ हमें कुछ लिख के दिया है के एफ बी एस एफ जी एस जे एफ ओ ई टी. तो हमें इसको ढूंढना है. तो देखो X किसके लिए लिखा है, इसके पीछे वाले के लिए, इट मीन्स ये क्या है W. F किसके लिए, F के पीछे है हमारे पास E. सो ये क्या बन गया, वुई. अब बी एस एफ देखो, B है A. S किसके लिए है, S के पीछे आता है R. F, F के पीछे फिर से क्या आएगा E. सो वुई R. तो ये लास्ट वाला रह गया देखो G. G लिखा है उसने F के लिए, मतलब एक एक आगे करके लिखा है उसने. सो S के लिए उसने लिखा है R. अब J से पहले आता है हमारा I. O से पहले आता है N. और I'm sorry, F रह गया हमारा, है ना. F से पहले आता है E. सो R, I के बाद आ जाएगा E. देखो यहाँ पे J के बाद F है ना, सो यहाँ आ जाएगा E. फिर आएगा O के बाद N. अब E से पहले क्या आता है D. अब T से पहले आता है S. तो ये क्या बन गया, फ्रेंड्स. तो ये सीक्रेट कोड क्या बन गया, वी आर फ्रेंड्स. समझ आया, बस एक एक अल्फाबेट उसने आगे करके लिखा था और हमें ढूंढने के लिए उसको एक एक पीछे करना पड़ा. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया है व्हाट वाज कोहली सीक्रेट मैसेज. तो कोहली का सीक्रेट मैसेज क्या था, वी आर फ्रेंड्स, है ना. हमने अभी निकाला, कैसे निकलता ये. नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड शब्लू एंड जग्गू राइट. अब शब्लू एंड जग्गू ने क्या लिखा है, तो देखो जो शब्लू एंड जग्गू का मैसेज था, ये शब्लू का है, आप पिक्चर में देख सकते हो दिया हुआ है, एंड ये मैसेज है जग्गू का, ठीक है. तो शब्लू ने लिखा है, इसका आपका बनेगा जब आप इसको ट्राई करोगे हेलो, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन. फिर इसका बनेगा हाउ, देन बी एस एफ का बनेगा आर, जे पी वी मतलब यू. तो शब्बू पूछ रहा है हेलो हाउ आर यू. अब जग्गू ने फिर उसका क्या आंसर दिया, दिस वन, ये उसका सीक्रेट मैसेज था. तो इसको भी आप ऐसे करोगे, जी से पहले आता है एफ, जे से पहले आता है आई, ठीक है. सो इसका बन जाएगा फाइन थैंक यू हाउ आर यू, ठीक है. नेक्स्ट उसने पूछा था दिस वन. अब ये देखो कितना मुश्किल था, सीक्रेट मैसेज है, बट जब हमने इसने सॉल्व किया, हमें पता लगा कि शब्बू पूछ रहा है विल यू प्ले विद मी, तो जग्गू क्या कहता, यस. समझ आया, सिंपल सा सीक्रेट मैसेज है, बस आगे आगे करके लिखा हुआ. अगर आपको बी दिया है इट मीन्स वो उसका मीनिंग क्या है ए, अगर आपको सी दिया है उसका मीनिंग क्या है बी. सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा किस तरह से उन्होंने सीक्रेट मैसेजेस यूज़ किए. तो इन तीनों पेजेस पे हमने आज सीक्रेट मैसेज देखे. कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे रहेंगे नेक्स्ट थ्री पेजेस पेज नंबर 117 to 119. आज की क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.